के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। निराश्रित गोवंशों के संरक्षण और रखरखाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कहा गायों की मौतों पर तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही। बारिश के पानी ने मचाई आफत, सड़क बने तालाब, गोरखपुर देवरिया राजमार्ग भ्यावा, इसी तरह लोग कर रहे हैं यात्रा। मंडलायुक्त जयंत नालीकर ने किया वृद्धा आश्रम और अन्य विद्यालय का औचक निरीक्षण, व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश, कहा वृद्धजनों के लिए लगाया जाए स्वास्थ्य शिविर, हो आंखों की जांच। महानगर के जल निकासी के लिए नगर निगम ने किया 11 रेगुलेटरों को चालू, लगाया कुल 148 पंप, अपर नगर आयुक्त ने कहा लगातार हो रही है जल निकासी। मूसलाधार बारिश के बाद राप्ती नदी भी उफान पर, पीएसी और एनडीआरएफ टीम बनाए हुए स्थिति पर नजर, किसी भी आपदा से निपटने के लिए है तैयार। एक बार फिर चला अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर, दाऊदपुर के इंदिरा नगर हाईवे के किनारे नालों पर से हटाए गए अवैध कब्जाधारी। पीपीगंज में आयोजित हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सामाजिक अनुभूति की कार्यशाला। प्रगतिशील भोजपुरी समाज एवं प्राउटिस फोरम के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुई संगोष्ठी, प्राउटिस फोरम के उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा करते हुए डाला प्रकाश। वार्ड नंबर 10 बरगदवा में सड़कों पर लगा बारिश का पानी, आवागमन हुआ प्रभावित। डीवीएनडीसी के पूर्व विभागाध्यक्ष की स्मृति में पुस्तक का किया गया विमोचन, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज ने किया है प्रकाशन। एबीवीपी की ओर से सेल्फी विद कैंपस यूनिट कार्यशाला का किया गया आयोजन, एबीवीपी ने 35,000 सदस्य जोड़ने का रखा है लक्ष्य। यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक का हुआ आयोजन, 10 अगस्त को गोरखपुर में होने वाले मंडलीय सम्मेलन को लेकर बनी रणनीति। और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन की हुई बैठक, शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन।